दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप को फॉर्मेट करना चाहते हैं और नए विंडोज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास सीडी डीवीडी नहीं हो तो आप पेन ड्राइव के थ्रू भी आप अपने विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे सामने एक सैंडिक्स का 8 GB का पेन ड्राइव है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस पेन ड्राइव को बूटेबल बना करके अपने पीसी में इंस्टॉल करके दिखलाऊंगा किस तरीके से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। इसकी सारी प्रोसेस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आप लोगों को सारी जो प्रोसेस है इसकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सॉफ्टवेयर है, एक है रिफ्यूज ऐप और एक है मेरा विंडोज की ISO फाइल। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि विंडोज की ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है कि विंडोज ISO फाइल किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस सॉफ्टवेयर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बूटेबल बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दो सॉफ्टवेयर की। एक सॉफ्टवेयर है रिफ्यूज ऐप और दूसरा जो आपको विंडोज की ISO फाइल चाहिए, तो इसको आप उस वीडियो का लिंक पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कीजिए और जाइए देखिए कि किस तरीके से विंडोज ISO फाइल डाउनलोड करते हैं और इस रिफ्यूज ऐप को आप ओपन करना है। सबसे पहले इस ऐप को ओपन कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं NTFS फाइल सिस्टम, तो आपको यहाँ पे कर देना है FAT32। जहाँ यहाँ पे सिलेक्ट करें FAT32 और यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्री डॉस, इसके बगल में एक आपको आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने जो मेमोरी है, पेन ड्राइव है आपका, उसको फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करने के बाद आपको यहाँ पे NTFS जो था उसको चेंज करके आपको कर देना है FAT32। FAT32 करने के बाद आपको यहाँ पे एक ISO का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जहाँ भी आप अपने ड्राइव में रखे हुए हैं, मान लीजिए आपको विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है या फिर विंडोज 7 का, तो मेरा बूटेबल का जो फाइल है ISO वो मैंने डेस्कटॉप पर रखा है और उसका नाम है विंडोज 10 ISO। तो आप देख सकते हैं इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद ओपन करें। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट होके आ चुका है और सिंपली आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ये आपसे वार्निंग पूछेगा, एक मैसेज शो करेगा कि ऑल डेटा ऑन डिवाइसेस CD-ROM D 8 GB विल बी डिस्ट्रॉय। जो भी आपके इसमें डेटा है वो आपके डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आपके इसमें कुछ डेटा है आपके पेन ड्राइव में, तो पहले उसको कॉपी करने और उसके फॉर्मेट करने के बाद आप उसे बूटेबल बनाएं। तो चलिए मैं इसके ओके पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही ओके पर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये पेन ड्राइव बूटेबल प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है और ये जब तक यहाँ पर लास्ट तक आपको यहाँ तक ग्रीन कलर फुल हो जाएगा तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल बनके रेडी हो जाएगा और उससे आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को पीसी को आसानी से बूट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। दोस्तों, मेरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। मिनट तक लग सकते हैं आपके, मेरा भी 25 मिनट लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार्ट का एक आइकन मिल चुका है। तो फाइनली मेरा ये बूटेबल पेन ड्राइव सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से आपको कट कर देना है और कट करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखला दूंगा कि मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बना है या नहीं। तो सबसे पहले इसको हम एक बार एग्जिट कर देते हैं अपने पेन ड्राइव को और फिर से इंसर्ट करके आप लोगों को दिखला देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा इसका जो इंटरफेस था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मेरा पोर्टेबल पेन ड्राइव बुक करने के लिए रेडी है। मैं आप लोगों को अब दिखला देता हूँ बुक कैसे हो रहा है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ESD ISO D यहाँ पे जो मेरा ड्राइव है
ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव है। तो चलिए, मैं अपने सबसे पहले पीसी को बूटेबल करने के लिए रीस्टार्ट करना होता है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से जो आपका बूट मेनू है उसको बूट मेनू में प्रेस करना पड़ता है। तो मेरा बूट मेनू F10 11 है, तो मैं इसे प्रेस करता हूँ। सबसे पहले इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा रीस्टार्ट हो चुका है और मैं कीबोर्ड से F10 F11 जो मेरा बूट मेनू है मैं इसे प्रेस करता हूँ। क्या मेरा बूट हो रहा है या नहीं, मैं आप लोगों के लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरा है सैंडिक्स, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बूट मेनू फिर से प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मुझे आ चुका है। तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखला दे रहा हूँ कि देख सकते हैं कि वो टेबल बनाने के बाद आप पेन ड्राइव के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आप लोगों को लाइव इंस्टॉल करके आपको विंडोज 10 दिखाऊंगा। धन्यवाद।